खाना किसको पसंद नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत हर रोज जहरीले खाने से करते हैं। भाई आजकल की लाइफस्टाइल जैसी है उसमें बेशक आपके घर में दाल चावल हो या ना हो, चिप्स नूडल्स ब्रेड और इंस्टेंट फूड जैसा कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, और यही वो खाना है जो हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। ऐसा क्यों, चलिए बताते हैं। नंबर वन, व्हाइट ब्रेड। हमारी बिजी लाइफ में अगर हेवी ब्रेकफास्ट में सबसे पहले कुछ याद आता है तो वो है ब्रेड। कुछ नहीं समझ आता तो भाई जल्दी से ब्रेड बटर ब्रेकफास्ट में खाया और लंच तक भूख लगने का सवाल ही नहीं है। क्यों, सही कहा ना? लेकिन ये व्हाइट ब्रेड नहीं बल्कि चार तरीके के पॉइजन का मिक्सचर है। दरअसल ब्रेड में होता है मैदा, सॉल्ट, शुगर और हाइड्रोजनरेटेड घी, जो आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। इसके रेगुलर कंजप्शन से फैट तो गेन होता ही है, साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का वीक होना, स्किन प्रॉब्लम और हार्ट डिसीज होने के भी चांसेस बने रहते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रेड खाने का मन है तो इसका भी एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है, आप ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको व्हाइट ब्रेड ही खानी है तो उसको रोस्ट करके खाना एक अच्छा सोल्यूशन है, जिससे मैदा पक जाएगा और वो आंतों में नहीं चिपकेगा। नंबर टू, सोयाबीन ऑयल। अब आप सोचेंगे कि सोयाबीन तो हेल्दी होती है तो भाई इसका नाम इस लिस्ट में क्यों है, बताते हैं। सोयाबीन प्रोटीन का रिच सोर्स है, लेकिन अगर आप इसका ऑयल रेगुलर बेसिस में खाते हैं तो जल्द ही बीमारियों से घिर सकते हैं। दरअसल इसमें होता है ढेर सारी मात्रा में पाइथोएस्ट्रोजन, जिसका सीधा असर महिलाओं और बुजुर्गों के हॉर्मोन्स पर होता है, जिससे उन्हें स्किन प्रॉब्लम से लेकर थायराइड होने तक के चांसेस रहते हैं। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, ये सिर्फ सोयाबीन ऑयल से होता है, आप बेफिक्र होके सोयाबीन खा सकते हैं। नंबर थ्री, पैक्ड पोटैटो चिप्स। वैसे तो कई लोग फैट बढ़ने की वजह से आलू को जरा कम ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन वही बात अगर पोटैटो चिप्स की जाए तो पैकेट खुलते ही खत्म होने की नौबत आ जाती है। लेकिन 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 अगर आप भी अपने आप को चिप्स देख के कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसको रोजाना खाने से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और अगर इसकी मात्रा और ज्यादा हो जाती है तो कैंसर होने के भी चांसेस हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसे खा सकते हैं पर कंट्रोल रहकर। नूडल्स। बड़े से लेके बच्चों तक हर किसी को नूडल्स से अलग ही प्यार है, और हो भी क्यों ना, भूख मिटाने के साथ साथ ये काफी टेस्टी भी जो होता है। यही वजह है कि घर में राशन भले ही पूरा ना हो लेकिन नूडल तो आराम से मिल ही जाएगा। लेकिन ये भी सब जानते हैं कि नूडल सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि इसमें होता है मैदा, साथ ही इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखने के लिए इसमें काफी ढेर सारी मात्रा में केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। इसको ज्यादा खाने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज और बॉडी वेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो बिल्कुल तय है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी नूडल्स को खाने से खुद को रोकना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए एक एडवाइस हम आपको देते हैं कि अगर आपको नूडल्स खाने हैं तो उसमें ढेर सारे वेजेस डाल के उसे बनाएं, जिससे नूडल्स आंतों में चिपकेगा नहीं और आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। नंबर फाइव, कैंड फूड। कल की जनरेशन अपनी सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल के चलते खाने में से न्यूट्रिएंट्स गायब करती जा रही है, और अनहेल्दी खाना इतने शौक से खाते हैं जैसे सारे पोषण एक ही बार में शरीर को मिल रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आप भी कैन फूड खाते हैं तो आज ही इन्हें बंद कर दें, क्योंकि कंपनी इन्हें लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखने के लिए यूज करती है बहुत सारे केमिकल्स, कलर के लिए आर्टिफिशियल कलर कोटिंग की जाती है और फ्रेश रखने के लिए इनमें कलर्स और सोडियम का भी इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये आपका मोटापा काफी बढ़ा देते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वीक कर देते हैं। इसके ऑल्टरनेटिव में आप फ्रोजन वेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहेगा ना कि कौन सा फूड आपकी सेहत के लिए खतरनाक है और कौन सा आपको लिमिट में रहकर खाना है। और अगर आपकी किसी भी खाने को लेके कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए।